अगर महिलाओं में जो कैंसर है उनका उपचार, उनके जो आधुनिक प्रणाली से जो उपचार होते हैं आजकल, वो सब चीजें अवेलेबल है। वंदत्व निवारण जो है उसमें मेरी खास रुचि है। इसमें अफोर्डेबिलिटी जो है उसका एक मौका है। आरोग्य जागृति। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल लाठी, स्त्री रोग तज्ञ और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के रूप में यूनाइटेड सिग्मा हॉस्पिटल औरंगाबाद के जेनेसिस आईवीएफ एंड एंडोस्कोपी में गए 9 वर्षों से कार्यरत हूँ। यूनाइटेड सिग्मा हॉस्पिटल एक नामी हॉस्पिटल और एक अपनी बेहतरीन छवि पिछले 10 सालों में बना चुका है, और उसका जो उद्देश्य है वो यही है कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड, जिसको हम सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अपनी जो आरोग्य सेवाएं ये दे रहा है ये जनहित में समर्पित है। ये जो सेंटर है यूनाइटेड सिग्मा हॉस्पिटल, ये ISO, NABH और ICMR प्रमाणित है, इसलिए यहाँ पर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स पर सारे ट्रीटमेंट चलते हैं। महिलाओं से जुड़े जो भी स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं यहाँ पर एक छत के नीचे अवेलेबल है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल वुमेन हेल्थ इश्यूज। अब यहाँ पे जो सेवाएं उपलब्ध हैं उसमें मैं प्रमुख तौर से कहूँगी कि एक ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड MTP फैमिली प्लानिंग सेंटर है, इसके अलावा टेस्ट ट्यूब बेबी इक्सी सेंटर है, लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी यहाँ पर बहुत काफ़ी टाइम से यहाँ चल रही हैं, और अलग अलग तरीके से गर्भाशय को निकालने के जो मार्ग हैं उनसे निकाला जा सकता है यहाँ पर आसानी से। यहाँ पे फर्टिलिटी मतलब कैंसर रिलेटेड सर्जरीज, अगर महिलाओं में जो कैंसर है उनका उपचार, उनके जो आधुनिक प्रणाली से जो उपचार होते हैं आजकल, वो सब चीज़ें अवेलेबल है। इसके अलावा हर वर्ग को यहाँ पे ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जैसे PCOD क्लिनिक है, मेनोपॉज क्लिनिक है, और नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शंस के अलावा यहाँ पर हाई रिस्क प्रेगनेंसी को बहुत स्किलफुली डील किया जाता है। अब मेरा जो स्पेशल रुचि है वो है फर्टिलिटी सर्विसेज में, जिसको आप कह सकते हैं कि निःसंतानता का जो ट्रीटमेंट है, या मराठी में हम कहते हैं कि वंदत्व निवारण जो है उसमें मेरी खास रुचि है। अब हमारा जो सेंटर है ये यहाँ पर अनेक राज्यों से यहाँ पर लोग ट्रीटमेंट का लाभ लेने आते हैं, और जब हम उनसे पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि यूनाइटेड सिग्मा हॉस्पिटल जो है इसमें अफोर्डेबिलिटी जो है उसका एक मौका है, उन्हें सारे ट्रीटमेंट्स जो हैं बहुत स्किलफुली एक ट्रेंड टीम के द्वारा मिलता है, और उनका ये कहना है कि यहाँ पे जो 60-70% सक्सेस रेट का एश्योरेंस है वो हमारी स्किल्ड टीम 10 सालों से जो मेहनत करते हुए आ रही है उसका एक टेस्टिमनी है मैं कहूँगी। तो यहाँ पर जो सक्सेस रेट हमने अचीव किया है 60-70% का, ये खासकर लेस देन 30 इयर्स एज ग्रुप में विशेष तौर से देखने को मिलता है। IVF या ICSI जो आजकल हम सुनने में आता है इनफर्टिलिटी सॉल्यूशंस में, तो इनविट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर कहूँ कि मैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जो ये प्रणाली है, ये एक्चुअली है क्या? तो पहले तो इसकी ज़रूरत क्यों बढ़ गई है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि 10-15% अगर जनरल पॉपुलेशन में देखा जाए तो इनफर्टिलिटी का प्रमाण है, और सीधे शब्दों में कहूँ तो शायद 6 में से 1 कपल को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो IVF ये जो है आर्टिफिशियल गर्भधारणा की प्रणाली है, जिसे हम IVF लैब की सहायता से इसे पूर्ण करते हैं, और इसमें जो बच्चा बॉर्न होता है उसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, जो कि एक हेल्दी नेचुरल प्रेगनेंसी में जो बच्चा बॉर्न होता है बस उसी तरह होता है। तो इस लैब में एक्चुअली क्या किया जाता है कि हम मशीन द्वारा महिलाओं के स्त्री बीज में पुरुष का जो बीज होता है जिसे हम शुक्राणु कहते हैं उसे मिलाया जाता है, और इसके जो संयोजन से भ्रूण इंक्यूबेटर में तैयार होता है उसे हम सोनोग्राफी की मदद से गर्भाशय के अंदर हम उसे छोड़ते हैं। तो ये तो हुआ कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में IVF किस तरह से किया जाता है। अब
नेचुरली अगर हमें 60-80% सक्सेस रेट चाहिए तो उसके लिए हमें कुछ तो काम पहले से करना होगा। तो इसके लिए हमारे कुछ यूजफुल टिप्स मैं देना चाहती हूँ हमारे इनफर्टिलिटी कपल्स को, और उसमें से मुख्यतः सबसे महत्वपूर्ण जो मैं मानती हूँ स्टेप वो है कि आप एक अच्छे इनफर्टिलिटी क्लिनिक का चुनाव करें, क्योंकि स्किल्ड टीम के ऊपर आपका सक्सेस रेट, उनके डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि उनका सक्सेस रेट क्या है। तो जब हम कोई सेंटर में जाते हैं तो वहाँ का प्रेगनेंसी रेट अलग अलग वर्ग में क्या है, एज ग्रुप में क्या है, ये जानना, पेशेंट्स के लिए जानकारी निकालना जरूरी है। अब दूसरी चीजें जो हम अगर गौर फरमाएं तो देखते हैं कि मोटापा जो है, अगर पेशेंट खासकर फीमेल में अगर रहता है तो जो गर्भधारणा है उसका जो समय है वो ऑलमोस्ट दुगना हो जाता है। तो अगर हमें टाइम टू प्रेगनेंसी को कम करना है तो एक हेल्दी डाइट दोनों को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अब कुछ और बात करें तो जैसे व्यायाम है तो वो करना बहुत जरूरी है, और उसमें भी खासकर मैं कहूँगी कि योगा है, मेडिटेशन है, ये सचमुच सकारात्मक दृष्टि से इस IVF का सक्सेस रेट बहुत बढ़ा देते हैं, क्योंकि इसमें जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, जो मेडिटेशन है, दैट रियली मतलब उसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी हमारे कपल में वो रखता है। अगर हम देखें तो वंदित्व के या निःसंतानता के मुख्य कारण क्या हैं, तो आजकल जो है मेल इनफर्टिलिटी इज ऑल्सो ऑन द राइज। तो फीमेल में अगर हम देखें तो उसमें जो है PCOD प्रॉब्लम, जिसमें बीज का नहीं बनना, तैयार होना, ये एक कारण कॉमन हो गया है। नलियों का ब्लॉक होना, फेलोपियन ट्यूब्स का, ये एक कारण है। गर्भाशय में कभी कभी पॉलिप हो सकता है, गांठ हो सकती है, पर्दा हो सकता है, ऐसे अनेक से कारण ये कॉमन रीजंस हैं। एंडोमेट्रियोसिस लेडीज में कॉमन अभी देखा जाता है, इनफर्टाइल कपल्स में खासकर। पुरुषों में या तो शुक्राणु बीज की कमी होती है, या फिर शुक्राणु होते ही नहीं है, या फिर उनकी गति कम होती है। तो ये जो कारण है ये मुख्यतः इनफर्टिलिटी के कारण है। हमारा सेंटर यूनाइटेड सिग्मा हॉस्पिटल जो है वो रिकरेंट IVF फेलियर्स और रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस, मतलब बार बार जिनकी साइकिल्स IVF की फेल हो रही है या जिनको बार बार गर्भपात हो रहा है, उनको हमारे पास जो आधुनिक प्रणाली है उसके तहत ये दोनों प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से इसके ऊपर हम निजात पा सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली हो रहा है। तो अंत में मैं बस यही कहूँगी कि हमारा जो टैगलाइन है, लेट लाइफ बिगिन, मतलब कि आपकी इस संतान प्राप्ति की जो यात्रा है वो हमेशा सुखद रहे, और हम आपके साथ हमेशा इस अभियान से जुड़े हुए हैं, और हम ये चाहते हैं कि सबकी लाइफ में एक होप जिंदा रहे और वो अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और एक अच्छे IVF सेंटर में जाकर इसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो डेफिनेटली उनको सक्सेस रेट 60-80% अचीव कर सकते हैं। थैंक यू। आरोग्य जागृति।